फ्रेंड्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक इस तरह की बीमारी है जिसमें एक पुरुष जो अपने ऑर्गन से केपेबल नहीं है और काफी दुखी है बिकॉज इरेक्टाइल फेलियर एक प्रोग्रेसिव सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है। तो क्रोनिक ऑर्गेनिक इरेक्टाइल फेलियर, जो दरअसल दवाइयों से और इंजेक्टेबल थेरेपी से और वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस से ठीक नहीं हो पा रही है, ऐसे लोगों के लिए आज एक होप है। इस होप को हम उतने सालों से जानते हैं जिसे हम एक इम्प्लांटेशन सर्जरी के द्वारा इंप्रूव कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट से उनको क्योर की तरफ ले जा सकते हैं बिकॉज एक जमाने से इम्प्लांटेशन पेनाइल प्रोसेसिस जो एक ट्रीटमेंट रही है क्योर की तरफ, वो दुनिया में अवेलेबल रही है। पेनाइल प्रोसेसिस के द्वारा हम उस लेवल को पहुंच चुके हैं जहां किसी को हम वो क्योर दे पाते हैं, जहां इरेक्शन बिल्कुल नेचुरल रिजिडिटी की तरह एक दंपति को सही तरह से अच्छा फील होता है। उस नेचुरल रिजिडिटी को लाने के लिए हम आज जिस लेवल पे पहुंचे हैं उसे हम एक नेक्स्ट जनरेशन मैलिबल पेनाइल प्रोसेसेस कहते हैं, जिसका नाम टैक्ट्रा है। टैक्ट्रा एक स्टेराइल इम्प्लांटेशन है जो आज अवेलेबल है, जो बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन है उस एग्नी और उस डिजीज के लिए जहां आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को क्योर की जा सकती है। इरेक्टाइल फेलियर जिसमें किसी तरह की मेडिसिन काम नहीं आई और वो कैंडिडेट्स हैं जो इम्प्लांटेशन सर्जरी के द्वारा ठीक हो सकते हैं, आज उनको हम मैलिबल पेनाइल प्रोसेसेस, जो इतनी एफिशिएंट मेलेबल पेनाइल प्रोसेसेस है, जो एक तरह की नेचुरल फीलिंग लाती है पेशेंट को और पार्टनर को, उसे हम टैक्ट्रा कहते हैं। और टैक्ट्रा एक बहुत ही नई तरह की बॉस्टन साइंटिफिक की लॉन्च है। इसे जब हम यूज करते हैं तो ये पेनाइल ऑर्गन में इम्प्लांट की जाती है और ये आपके स्पेशलिस्ट एंडोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट जो इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं इसे इम्प्लांट करते हैं। इस इंडिकेशन में जहां हम इरेक्टाइल फेलियर में इम्प्लांट करते हैं, मेरे पेशेंट्स या तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स होते हैं, जो शायद स्मोकर भी होते हैं, जिनके कारण इरेक्टाइल फेलियर और भी प्रोग्रेस होती है। क्रोनिक ऑर्गेनिक इरेक्टाइल फेलियर उन न्यूरोजेनिक कंडीशंस में होता है जहां नर्व्स की इंजरी हो चुकी है, स्पाइनल डिजीजेस हो, कुछ पुरानी स्ट्रोक रही हो, पार्किंसनिज्म की जैसी बीमारी रही हो, या वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी के बाद उन नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट थी, तो प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट हो चुकी है, उसके बाद बिल्कुल इरेक्टाइल फेलियर। तो डायबिटीज जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग और अनकंट्रोल है, जहां बहुत ही सीवियर स्टेज माइग्रेशन होती है और दवाइयां काम नहीं आती हैं, जो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर्स रहे हैं, जिनकी न्यूरोजेनिक इंजुरीज या न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस रही हैं, और जो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के बाद इरेक्टाइल फेलियर हो रहे हैं, वैसे पुरुष के लिए जो ऑर्गेनिक इरेक्टाइल फेलियर है और जिनकी इम्प्लांटेशन सर्जरी के बाद उनकी क्योर हो सकती है, आज टैक्ट्रा अवेलेबल है। और टैक्ट्रा उस तरह की एक ड्यूअल सिलेंडर इम्प्लांटेशन डिवाइस है जो हम शाफ्ट में इम्प्लांट करते हैं। इससे सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी और इजैकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बस ये आपको वैसे ही लगता है जैसा कल था, पर वो कल कब था जब ग्रेजुअली आप इरेक्टाइल फेलियर के बढ़ते बढ़ते उस लेवल को चले गए जहां आपकी इरेक्शन की कैपेबिलिटी बिल्कुल जीरो के आसपास चले गए, जहां आपको कोई दवाइयां और कोई ट्रीटमेंट शायद काम नहीं आए। तो आज के जमाने में जब टैक्ट्रा जैसे वर्सेटाइल इम्प्लांट्स अवेलेबल हो चुके हैं, जो अब भारत में अवेलेबल हैं और जिसके लिए बहुत लोगों को पहले से इंतजार था, वो इतनी वर्सेटाइल तरह की सिलिकॉन इम्प्लांट्स है जो दो लेयर की सेमीरिजिड सिलिकॉन इम्प्लांट्स के अंदर निटिनॉल कोर है। तो जब पुरुष परफॉर्म करता है तो वो इसे मैलिएबल होने के कारण पोजीशन कर सकता है और इसकी पोजीशनिंग हो सकती है। जब ये परफॉर्मेंस हो सकता है और जब एज लॉन्ग एज डिजायर्ड इसे मेंटेन कर सकते हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इजैकुलेशन के बाद और कैपेबिलिटी के बाद इसको कंसील कर सकते हैं। तो एक नेचुरल कंसीलमेंट ला पाना जिसमें ये बिल्कुल बेंड हो सकता है और इसकी एक मेमोरी होती है, ये अपने में बहुत खुशी की बात है। तो ये दरअसल पुरुषों के लिए एक तरह का वरदान रहा है जो शायद उन मैच्योर इयर्स में या बिल्कुल प्राइसलेस तरह की एक ट्रीटमेंट आ चुकी है, जो आपकी बिल्कुल मैच्योर इयर्स में जब आप कैपेबल होने चाहिए तब आप अगर कैपेबिलिटी लूज कर जाते हैं और फेलियर में रहते हैं, तो इस तरह की ट्रीटमेंट आपके लिए फाइनली अवेलेबल है। ये एक जमाने में मैलेबल प्रोसेसेस हमारे देश में बहुत पहले से मिल रहा है और हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इस गवेषणा में ऊपर की तरह बढ़ते जा रहे हैं और आज जो नए लेवल की मैलेबल नेक्स्ट जनरेशन प्रणाली प्रोसेस आ चुकी है, ये आपके लिए वरदान है। बिकॉज अगर इरेक्टाइल फेलियर उस तरह की क्रोनिक है और ऑर्गेनिक है जिसमें दवाइयां काम नहीं आ सकती, जो सिचुएशन नहीं है, जो प्रोग्रेसिवली खराब होता है, तो आज इनकी रिक्वायरमेंट है जिसे हम टैक्ट्रा कहते हैं। हमें मालूम है कि इन डिवाइसेस को इम्प्लांट करते समय हम बहुत ही केयरफुल रहते हैं। हम जब ये इम्प्लांट करते हैं अपने मरीजों को यहाँ पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, तो उनको समझाते हैं कि हम इन्फेक्शन नहीं होने देना चाहते। सो हर डायबिटिक आदमी को अपने डायबिटीज से कंट्रोल करना, कोई स्ट्रक्चर यूरेथ्रा न होना और बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में ये सर्जरी सुबह के टाइम पे परफॉर्म करना, जिसमें एंटीबायोटिक कवर के द्वारा इसे बहुत ही छोटे से इंसीजन से करेक्टली इम्प्लांट करके इसको वहां छोड़ते हैं,
जहां फिर ये आपको 4 से 6 हफ्ते बाद जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, आपके ऑर्गन्स हील हो जाते हैं और बिल्कुल वो स्कार हील हो जाता है, तब आप परफॉर्मेंस की केपेबल हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसकी गवेषणा ऐसी हुई है कि ये 10 से 15 साल तक आराम से लास्ट कर पाएगा। इसकी मेमोरी की टेस्ट की गई है लैब्स में पिछले 10 साल से और देखा गया है कि जिस तरह की ये कैपेबिलिटी पहुंची है पहले ऐसी कोई डिवाइस बन नहीं पाई थी। तो आज हम उस लेवल पे या उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहां मरीजों को कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं और इस तरह की कैपेबल ऑर्गन इम्प्लांट के द्वारा उनको क्योर कर सकते हैं। इरेक्टाइल फेलियर एक बहुत ही एगोनाइजिंग और बहुत ही डेस्परेट डिजीज होता है जो मैच्योर ईयर्स में 20s, 30s, 40s से लेकर के 60s, 70s, 80s तक अलग अलग कारणों से होता है। जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जो आपके डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई करके और आपके पार्टनर के साथ सेक्सुअल थेरेपी और थेरेपीज और वेरियस ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर लेते हैं, वो बिल्कुल अलग ही पहलू होती है। क्रोनिक ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो उस तरह का है जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, स्मोकर्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, पार्किंसनिज्म, स्ट्रोक, नर्व इंजुरीज, पेल्विक फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, इन सब चीजों के बाद जिस तरह की इरेक्टाइल फेलियर होती है जिसमें न्यूरोलॉजिकल और वास्कुलर कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स की जो चोट पहुंचती है वो फिर वापस रिवर्स नहीं हो पाती और उस रिवर्सल को न ला पाने के लिए हमें थेरेपी बिल्कुल फाइनली ऑर्गन में करना पड़ता है। और वो कैंडिडेट्स जो इस इम्प्लांटेशन सर्जरी के केपेबल हैं उनमें आज ये बहुत बड़ा वरदान है। तो टैक्ट्रा आज भारत में अवेलेबल है और टैक्ट्रा के द्वारा उन लोगों को हम शायद इम्प्लांट कर पाएंगे बिकॉज ये उस तरह का एक हाई जनरेशन डिवाइस आज हमारे पास है जिसकी मेमोरी, जिसकी कंसीलमेंट, जिसकी नेचुरल फील और इसका फीलिंग जो हम लोगों ने रिसर्च के टाइम से इम्प्लांटेशन के टाइम तक देखा है, खुशी होती है कि इस तरह की डिवाइसेस आज के जमाने में अवेलेबल है और आज इरेक्टाइल फेलियर्स की ट्रीटमेंट से कोई वंचित नहीं रह सकता। तो जो भी पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की मुश्किल होती है, एंडोलॉजिस्ट इस तरह की ट्रीटमेंट के बारे में केपेबल हैं और आज ये इस जमाने में हो पा रहा है। धन्यवाद।